हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज भिडियो रे आमे देखिबा टीजीटी संस्कृत रो जो एग्जाम ए रिसेंटली हेतिला तो तार क्वेश्चंस कौन रही पेडागोजी सेक्शन रे। तो आ गोटे कथा कही रखिबी स्टार्ट करिया पूर्वरु तो क्वेश्चन पेपर बहुत पिला आपण माने पाई सारिबेनी सांग मानको पाखरु, बट क्वेश्चन केमिति आसीची हिंदी संस्कृत पिला मानकर काहे कि ना आपण मानकर पीटी पिलांकर सिलेबस तो कंप्लीटली अलगा, तथापि तांको क्वेश्चन भी टिके देखि नेबे इजी रहितला पिला माने कहूतिले। बट हिंदी और संस्कृत रो जो सिलेबस रहिची ऑलमोस्ट सबु किछि प्रायतः सेम रोचे क्या सहित ना टीजीटी पीसीएम सीबीजेड और आर्ट्स पिलांग सहित। तो तेणुकर कि जेमिति हिंदी संस्कृत रो क्वेश्चन आसीची एक्जाक्टली सेमिति क्वेश्चन आसीबो बा सेही पैटर्न रो क्वेश्चन आसीबो सेमति किछि कहि हबनी। आपण माने पूर्व वर्षर क्वेश्चन भी देखिचंती, एई वर्षर हिंदी संस्कृत पिला मानकर क्वेश्चन भी देखंतु स्पेशली एंड से टाइप रो क्वेश्चन आउ टिके अधिक, बिकज गला थरक पीसीएम सीबीजेड आर्ट्स रो एग्जाम हेई जाईची, प्रथम थर पई हिंदी संस्कृत हेईची। तो तेणु करी क्वेश्चन जेमती रहीची सबु सेक्शंस, बिकज क्वेश्चन मु देखि नाही, केवल पेडागोजी सेक्शन रो क्वेश्चन संस्कृत रो पेपर देखुतिली, क्वेश्चन ठीक ठाक अछि। तो एबे हमें देखिबा क्वेश्चन केमती कोन रहीथिला एंड से भलिया आपण माने मध्यम प्रिपेयर कोन केमती करिवे ताकू मैं कहिबी लास्ट को। बट एबे चलंत प्रथम हमें क्वेश्चन गुडी को प्रथम डिस्कस करनबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहीची। प्रथम क्वेश्चन रहूची कि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन डेवलपिंग द इंक्लूसिव प्रैक्टिस। तो से कहूँ कि मेजर चैलेंज कौन इनक्लूसिव प्रैक्टिस जो रहिबो तो तापाई आमको मेजर चैलेंज कौन करने को पड़ेबो। तो जोटा कि एठी ओडिया रे भी रहिची, जेहेतु हिंदी संस्कृत पिला मानकर बाइलिंगुअल थिला तो ओडिया और इंग्लिश रहुची, बट पीसीएम सीबीजेड और आर्ट्स पिला मानकर आपण मानकर केवल बोधे आसीबो इंग्लिश लैंग्वेज आई थिंक। तो इंग्लिश रे जो माने भी देबे भलो भाबरे आपण माने बुझी कि क्वेश्चन को करिवे। तो एठी ऑप्शंस देइची कि टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट एंड इट्स नीड्स, तापर देइची अंडरस्टैंड द चाइल्ड फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड द स्टूडेंट नीड्स एंड द टीचर नीड, पिलार नीड और टीचर नीड को बुझीबा। तापर देछि अंडरस्टैंड द चाइल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो एठी जो नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देछि तो एगुड़ा तो डायरेक्टली ऑप्शन गुड़ा एलिमिनेट हो जिवो, बिकॉज एगुड़ा तो किछि तारो किछि रिलेशन ही नाही इनक्लूसिव प्रैक्टिस सहित। सेकेंड कथा होछि स्टूडेंट रो नीड रहूछि प्रायोरिटी रहबो, बट टीचर को नीड एथिरे किछि सेमते नाही, तो ऑप्शन सी भी हबनी। सो ऑप्शन ए ही रहबो करेक्ट, जोटा कि होछि पिला को सोशल कंटेक्स्ट रो बुझीबा आ तारो नीड कोन कोन रहिछि ताको भलो भाबरे बुझीबा, एटा होछि गोटे मेजर चैलेंज डेवलपिंग इनक्लूसिव प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन कोठू आसीची आमर जो रही इनक्लूसिव एजुकेशन भल भाव पढ़ी थे तार कनसेप्ट ताकू रिलेट करी बहुत किसी रोचे। लर्निंग डिजाबिलिटी है, ए लर्निंग डिजाबिलिटी उपर सेमती क्वेश्चन ना, बट लर्निंग डिजाबिलिटी उपर क्वेश्चन बुलेकी पचारूची। ता सहित तो बहुत किसी जोड़ा कि कौ कौ इयर रे कौन कौन होता कौन किए इम्प्लीमेंट करते, डिजेबल्ड बा जो आमर CWSN चिल्ड्रेन रही बहुत किसी रही प्लान्स और प्रोग्राम सेगुड़ा ऊपर भी क्वेश्चन रही पारे इनक्लूसिव एजुकेशन उपरू। तो सेगुड़ा को आपण माने देखिबे जो पार्टटा एठी पड़ू नाही तार किसी एक्स्ट्रा थिंग्स आपण मानक देखा पड़ो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस सजेस्टेड बाय पियाजेट्स अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन लर्न टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस एक्टिविटीज बट नॉट इन ए लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे। तो से कहूँ कि एठी जो देछि क्वेश्चन से पचारुछि कि को स्टेज पियाजेट जो सजेस्ट करछन्ती कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारटा स्टेज ता भितर से पचारुछि कि को स्टेज इन व्हिच स्टेज। तो एठी पिला कोन करबो ना चिल्ड्रेन लर्न टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ताकू सो करेबा पाई बा रिप्रेजेंट करेबा पाई विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को इन वेरियस एक्टिविटीज को से सो करि परिबो, बट गोटे लॉजिकल बा गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे नुहे। तो यहाँ कौटा आंसर रहिबो करेक्ट आंसर, ऑप्शन चारटा जाक स्टेज रही ना देछि तो पढ़ू ना ताकू। तो ये आंसर हम कौन ना ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट, जोटा कि होछि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहीं ना नॉट इन ए लॉजिकल बा ऑर्गेनाइज्ड वे देछि, बिकॉज आम जानते कि कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड रे ही पिलार लॉजिक बिगिन हुए बा लॉजिक स्टार्ट हुए, तो लॉजिक न थाए प्री ऑपरेशनल पीरियड रे। तो तेणु करी सी ही रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन द रोल ऑफ ए स्कूल हेडमास्टर रिक्वायर्स। तो क्वालिटी एजुकेशन रो कंटेक्स्ट जदि आमे देखिबा तो तेबे गोटे स्कूल हेडमास्टर रो कोन रोल रहिबा दरकार। देछि कि क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तापर देछि कि आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस, तापर देछि लासे ऑफ रिसोर्स मैनेज क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंट द रिपोर्ट्स, तापर देछि डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, मैनेज हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो ए जगह रे देछि कि गोटे क्वालिटी एजुकेशन को जिते मेंटेन करा जाउछि बा तार कंटेक्स्ट को कंसीडर करा जाउछि तो रोल कौन रहबो हेडमास्टर कर। तो एठी जदि आपण एठी तो ओडिया रे रहिछि, आपण माने जदि इंग्लिश रे बुझी पारनांदी गोटे ऑप्शन ओडिया रे देखि पारिबे, बट आपण मानकर इंग्लिश रे जदि आसबो केवल इंग्लिश रे ही आपण मानको बुझियाको पड़िबो। जेमति ओडिया रे मध्ये देछि बट ओडिया भी किछटा पिलांग पई बुझिया भी डिफिकल्ट हे थाए। तो एठी जो देछि कि हमर प्रथम ऑप्शंस देछि कि क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस, गोटे उत्कर्ष रो एक असाधारण द्वीप सृष्टि करबा, संबल गुड़िक जोगाजोग करवा, गुणवत्ता परिचालना करवा एवं रिपोर्ट गुड़िक डॉक्यूमेंट करवा। तो यही ऑप्शनटा ही रोचे ठीक करेक्ट, जोटा कि देछि जो संबल जहाँ भी रही तार केमती प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम, केमिती क्वालिटी को मैनेज करा जिवो, जहाँ काम करा जाउछि ता ऊपर केमती रिपोर्ट रखा जिवो, ताकू नै कि फर्दर एक्शन हम। तो यहाँ हूँ मेन इंपोर्टेंट रोल रहिबो हेडमास्टर कर। सो ये ऑप्शन बी ही रोचे चार्टा जाक भितर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट देखु हु हेड्स एजुकेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट रे हेड किए तो आम जानते ऑप्शंस अच्छे डीईओ, सीईओ, बीईओ और म्युनिसिपल कमिश्नर। तो जेहेतु डिस्ट्रिक्ट देछि तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्वेश्चन स्टेम विथ अल्टरनेटिव्स फॉर आंसर्स इज। गोटे क्वेश्चन स्टेम जहाँ कि अल्टरनेटिव्स थी आंसर्स पाई, तो सही टाइप रो क्वेश्चंस को आम कौ कैटेगोरी रखिबा, मैचिंग क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। तो ये अल्टरनेटिव्स रहिबो आंसर रे से देछि, बट ये अल्टरनेटिव्स जोटा कि हमर मैचिंग रे तो आम डायरेक्टली कॉलम को मैच करवा, जो थी कि हमर कोन जमती कि कॉलम 1 और कॉलम 2 रे आम देखिए जोड़ा कि रेस्पेक्टिव थी सहित ताकू आम मैच करवा, जमती प्रेमिसेस और रिस्पॉन्सेस थाए कॉलम 1 और कॉलम 2 जोटा आम कहते प्रेमिसेस और रिस्पॉन्सेस, से दुईटा को आम केवल मैच करवा। तो ये अल्टरनेटिव्स आसुनी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में सेमती किसी भी नहीं जमती अल्टरनेटिव्स रहिबो, फिल इन द ब्लैंक्स तो सिंगल गोटे को क्वेश्चन है माने डायरेक्टली गोटे ब्लैंक ही फिल करवार अछि। तो ये किसी नहीं, तो ये आंसर हो एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि अल्टरनेटिव्स रहिबो। तो ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट Which of the following statements is true about development? Development को लेकिन following statements जो रही ता भीतर कोटा true रही। तो ऑप्शंस अच्छी development during preschool age is remarkably slow रही। तो प्रीस्कूल पीरियड रे से कहूँ कि डेवलपमेंट स्लो रही थाए, बट जो जगह कि स्लो रही न थाए, तो ट्रू स्टेटमेंट को ही हमको फाइंड आउट करिवार अछि। डेवलपमेंट इज मोस्ट स्लो ड्यूरिंग प्रीनाटल पीरियड। प्रीनाटल पीरियड माने बिफोर बर्थ जो पीरियड, तो सेटा होछि प्रीनाटल पीरियड। डेवलपमेंट मोस्ट स्लो केबे भी हबनी। हमर जो रही डेवलपमेंट सेटा होछि किछि पीरियड परे, आफ्टर किछि पीरियड ले सेटा होछि रैपिडली ग्रो हे थाए, तो तेणु करी कि हमें मोस्ट स्लो ताको केबे भी कहि परिबानी। तो एटा भी रॉन्ग रहउछि। फिजिकल डेवलपमेंट रिवर्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो फिजिकल डेवलपमेंटा चाइल्डहुड पीरियड रे ही अधिक हे थाए, बट एठी कोछि रिवर्ट्स हे जाय, जोटा कि हमर कौन रिवर्ट हो जाए मैंने बेसी हुए ना, सही मिनिंग रे देछि, जोटा कि रॉन्ग रहउछि। डेवलपमेंट इज नेवर ए यूनिफॉर्म प्रोसेस। डेवलपमेंट कदापि एक जोटा कि आम कहबा कि यूनिफॉर्म माने कौन गोटे समान बा गोटे इक्वल जो आम कही प्रोसेस नुहे, कहीं डेवलपमेंट रेट समस्त पाखे डिफरेन्ट ही रही था। तो यहाँ ही रोचे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। तापर नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट रोचे क्वेश्चन नंबर 67। 67 देछि द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ग्रेड 9 इन द न्यू स्कीम प्रपोज्ड बाय सीबीएसई इज। ऑप्शंस अछि नो चेंज हैज बीन मेड, तापर देछि चारटा फॉर्मेटिव असेसमेंट और दुईटा समेटिव असेसमेंट हेल्ड इन, तापर देछि कि अप्रोबेट पीरियडिसिटी, इंटरनल असेसमेंट ऑफ पीरियडिक टेस्ट और पोर्टफोलियो। एग्जाम्स एट द एंड ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 100 मार्क्स तो नुआ स्कीम जो रही प्रपोज्ड बाय सीबीएसई तो सेटा तार कौन रोचे पैटर्न फॉर ग्रेड 9 बा क्लास 9 पाई तो एबे भी आपण माने देखिबे तो आमर जो नुआ एजुकेशन पॉलिसी रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से तो सबू जगार इम्प्लीमेंट है ना बट ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होउची एंड सीबीएसई बहुत किसी मॉडिफिकेशन करुच्ची एबे भी आपण माने जे कि देखिबे तांकर सिलेबस रे धीरे धीरे चेंज होउची विभिन्न प्रकार जमती कि क्लास 6 रे कोन रहबो क्लास तापर आमर जोटा कि मिडिल स्टेज हला सेकेंडरी स्टेज हला कोन कोन ऐड करा जिवो को को स्किल जो इम्प्रूवमेंट पाई कोर्स कौन कौन ऐड कर सब किसी एक्सट्रा रोचे एंड ता सहित नुआ स्कीम जो करा सेटा कौन तो ये प्रायत तो आपने भावुए कि ऑप्शन बी बोधे हम कहीं ग्रेडिंग सिस्टम रे पढ़ी थे जोटा कि चार्टा आम फॉर्मेटिव और दुईटा समेटिव असेसमेंट रो तो यहाँ तो समस्त रहा बट मेन से पचारूँ कि नुआ स्कीम जो प्रपोज होती कौन करा सीबीएसई कौन प्रपोज करी तो ये आंसर हम ऑप्शन सी जोटा कि होची कौन ना इंटरनल असेसमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेस्ट एंड पोर्टफोलियो तो आमर जो इंटरनल असेसमेंट कौन यहाँ हूँ सिंपल स्कूल द्वारा ही स्कूल आपको कर इंटरनली आसेस कर पार ये आमर इम्प्रूवमेंट पाई तो इंटरनल असेसमेंट जो रहा तो यहाँ हूँ सबू सब्जेक्ट रहा 20 मार्क लेखा तो इंटरनल असेसमेंट मीन्स कौन एटा फॉर्मेटिव इन नेचर ही रहिबो ता सहित एथिरे कौन ना पीरियोडिक असेसमेंट को 10 मार्क्स ता सहित पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो पिलांकर काम पिला केमती कौन काम करचंदी जेमती कि आमे कहबा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैला बा पिलारो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रे कौन कौन परफॉर्मेंस रहिची को सब्जेक्ट रे कौन से भलो करिची को सेमिनार अटेंड करिची बा जहा भी तार काम जोड़ा रहउची पोर्टफोलियो भितर सेगुड़ा रहइबो इंक्लूडेड ताकू 5 मार्क एंड ता सहित सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आउट रहइबो 5 मार्क तो एमिति करी कि 20 मार्क जोड़ा रहइबो इंटरनल असेसमेंट जोड़ा कि नुआ स्कीम रे प्रपोज करिची कि ना सीबीएसई तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन सी जोड़ा कि करेक्ट तापर नेक्स्ट देखंतु द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 वाज हेडेड बाय प्रोफेसर यशपाल तापर रही के कस्तूरीरंगन टीएसआर सुब्रमण्यम प्रोफेसर कृष्ण कुमार तो ये जो ड्राफ्टिंग रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तार हेड किए रही थे तो हेडेड बाय तो ये करेक्ट आंसर रोचे ऑप्शन बी जोटा कि होची कस्तूरीरंगन कमिटी आम जानी जो थी कि 9 जन मेंबर भी रही चेयरमैन तार निजे होचंदी के ना कस्तूरीरंगन तो यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट रोचे ये आंसर रोचे ऑप्शन बी। नेक्स्ट ए चाइल्ड प्रिज्यूम्स अर्थ टू बी फ्लैट बेस्ड ऑन हर डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लैंडस्केप अराउंड हर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट स्कीमास डिडक्शन तो ये से कौच कि गोटे पिला ता चारि पाखरे जो थिबा लैंडस्केप रो जो सीधा सड़क अभिज्ञता उपरे आधार करिकी पृथ्वी को समतल बोली से मने करूछि बा अनुमान करूछि तो यह कहार एक उदाहरण अटे तो ये आंसर कौन हम 69 ऑप्शन सी रहबो स्कीमास तो ये स्कीमास कहीं हम ना आम तो डायरेक्टली आपको एक्सपीरियंस कहींपरियानी कहीं पिला जहाँ एक्सपीरियंस कर पिला जहाँ ता मेंटल मॉडल जहाँ से इमेजिन करुच्ची निजर जोटा कॉन्सेप्ट बनाऊँगी सेटा को आम कही था स्कीमास आम कही था स्कीमास रे बा मेंटल मॉडल बा जोटा कि आम चैम्बर ऑफ इनफॉरमेशन जहाँ से ऐड करुच्ची जहाँ से निजे गोटे नॉलेज निज पाखर रखुची बा बिल्ड करुच्ची ताकू ही आम कहते स्कीमा सो ऑप्शन सी ही रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड क्लास मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली कंसल्टेटिव टीचर सेंट्रिक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स राइट तो ये आंसर सिंपल ये ऑप्शन बी आमर जोटा कि टीचर सेंट्रिक जेहेतु ऑथोरिटेरियन देछि ता माने कौन टीचर ही क्लास को कंट्रोल करेंगे तो टीचर सेंट्रिक रहइबो। तापरे नेक्स्ट रोची क्वेश्चन कि टिपिकली कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेन्सिव इभालुएशन इज डन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स तो जो आमर टिपिकली आम जब देखा सीसी तो इज डन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स तो पिला मानकर ऑब्जर्वेशन द्वारा ही होता है तो जोटा कि आमर करा जाय था मेनली कौन पाई तार कारण कौन ना फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव पंक्चुअलिटी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट देखिए इन कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स इन टेस्ट। नेक्स्ट देखिए बाय ओरल डिस्कशंस दैट टैली विद द रिटन असेसमेंट। नेक्स्ट देखिए बाय कंडक्टिंग असेसमेंट पीरियडिकली एंड इंटरमिटेंटली तो तो ये ओडिया तार देखुं तार कौन दे ऑप्शंस गुड़िक। तो पिला भितर मेनली सीसी रो उद्देश्य कौन ऑलराउंड बा होलिस्टिक डेवलपमेंट आम जानी तो सेटा को से बुले की लिखी जोटा कि हूँ प्रथम ऑप्शन रहिबो करेक्ट। पिला भितर सब किछ डेवलप करेबा तार हूँ मेन उद्देश्य। बट ये आम जमी केवल कह खाली स्कोर सहित जमी आम कह कि स्कोर टाकू पूर्वर जाणीबा बा तार ओराल रिटर्न भितर जोटा कि रोच टाली करवा सेमती कि सीसी रो उद्देश्य नुहे। एंड ता सहित पर्यायक्रमे और मझे मझे केवल मूल्यांकन करवा सीसी रो हूँ उद्देश्य नुहे। मेन हूँ पिलांकर होलिस्टिक डेवलपमेंट जोटा कि ऑप्शन सी सॉरी ए रही लीडरशिप इनिशिएटिव पंक्चुअलिटी क्वालिटी ऑफ वर्क एक्यूरेसी सबकि भितर डेवलप करवा। सो ए रोचे करेक्ट। By the end of the first year of life, the infant feels concern for another, but his lack of role-taking ability prevents him from doing anything about it. This kind of display is known as तो ये से कहूँ कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इनफैंट इनफैंट माने गोटे पिला जिते छोट पिलाटे बर्षे ताकू जमती हेनी कि से तले भी देखंतु ऑप्शंस जो रही ओडिया रे रही ओडिया तो आप देखुं ऑप्शन से पैसिव डिस्ट्रेस एक्टिव डिस्ट्रेस आउ पर्सनालिटी डिस्ट्रेस आउ सिंपैथेटिक डिस्ट्रेस। तो ये से कह जीवन प्रथम वर्षर शेष भाग में शिशु अन्य चिंता अनुभव करे किंतु जेहेतु तार भूमिका ग्रहण करार क्षमता अभाव थाए तो यही विषय में किसी से बारण करि थाए। तो यही प्रकार प्रदर्शन को कौन कह तो ये आंसर हम सिंपैथेटिक डिस्ट्रेस एंड यही रही करेक्ट आंसर कहीं ना पिला चाहिए भी से किसी करें स्टेज रे तो तेणु करिकी तार अन्य प्रति तो फीलिंग तो आसूची जोटा कि आम कहते फील द कंसर्न अबाउट अनदर बट सी किसी करें तो यही कारण जोटा कि आम कहते ओडिया रे रही सहानुभूतिपूर्ण जंत्रणा। तो यहाँ से जो स्टेज रे रही से स्टेज रे सी जोटा कि आम कौन कहवा कर फिलिंग से केवल जदि बुझी पार्थ बट ताकू नहीं जमती आम कहवा कि सेटा को ताकू नहीं कि भी भूमिका ग्रहण करिबार जो क्षमता रोची ये सब गुड़ी को ता पाखरे आसी परिबो नाही। तो तेणु करी एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 73 73 रही कि टीचर कंडक्ट्स एन एक्टिविटी आस्किंग स्टूडेंट्स टू रेकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फरेंसेस टू बी चेक्ड लेटर बाय द टीचर। द एक्टिविटी असेसेस थिंकिंग स्किल्स ऑब्जर्व स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट इज होलिस्टिक असेसमेंट। तो ये टीचर कौन करुँचंती कंडक्ट करुँचंती गोटे एक्टिविटी तापरे आस्किंग स्टूडेंट्स तो पिला मानंकु कहउचंती कि रेकॉर्ड करिबा पाई तांकर ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंसेस जोटा कि लैटर चेक करिबे टीचर। तो यही जगार से एक्टिविटी कौन करुँची पचारिछी तो एक्टिविटी एठी असेस करुँची थिंकिंग स्किल्स को ना ऑब्जर्व करुँची स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट करुँची ना होलिस्टिक असेसमेंट करुँची। तो एठी आंसर हे जिवो असेसेस थिंकिंग स्किल्स। तो ऑप्शन ए रहबो करेक्ट कहीं कि ना देखंतु एठी टीचर पचारिने टीचर कौन करुँचंदी पचारिछि कि एक्टिविटीटा पिला मानंकर कौन कोटा को असेस करिवो। तो एक्टिविटी द्वारा पिला माने केते चिंता करि पारचंदी केमिति तांकर डाटा बा इन्फरेंसेस जहाँ भी हो से ताकु केमिति करि पारचंदी सेई गुडा को टीचर परे चेक कले ही जानि परिबे पिलार थिंकिंग स्किल्स थ्रू दैट कौन एक्टिविटी से एक्टिविटी द्वारा ही करि परिबे। तापरे नेक्स्ट रोची हाउ कैन टेस्ट बी मेड मोर फ्रेंडली टू अकोमोडेट लैंग्वेज डाइवर्सिटी। तो ये टेस्ट जो रही पिला मानंकु जो टेस्ट दिया जाउछि तो ताकू केमती मोर फ्रेंडली करा जाय पारिबो जो जगह कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी थिबो। तो ऑप्शंस अछि कि सिंपलीफाई टेस्ट लैंग्वेज को सिंपलीफाई कर दबा प्रोवाइड विजुअल सपोर्ट एंड यूज नेटिव लैंग्वेज। तो विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करबा एंड ता सहित नेटिव लैंग्वेज रो यूज करबा। ऑप्शन बी देछि यूज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन ए वर्ड। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी पाखरे जदि केवल आम कहबा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जोटा कि गोटे क्वेश्चन ने आंसर करी तो तार किसी बेनिफिट नहीं नेक्स्ट होची मैक्सिमाइज टाइम लिमिट को मैक्सिमाइज कर दबा तो एटा मध्ये गोटे प्रॉपर ऑप्शन नुहे। डेवलप सेपरेट स्पेसेस फॉर असेसमेंट विथ हेल्पिंग मटेरियल तो से कहूँ कि डेवलप करवा सेपरेट स्पेसेस फॉर असेसमेंट विथ हेल्पिंग तांको पई सेपरेट स्पेस फॉर असेसमेंट रखिबा विथ हेल्पिंग मटेरियल तो यही भितर कौटा करेक्ट रहिबो तो एठी मेनली आंसर हेबो ऑप्शन ए रहिबो करेक्ट कहीं ना लैंग्वेज को आमर सिंप्लीफाई कर दिया जइबो ता सहित तो भिजुआल सपोर्ट रहिले जदिओ जने लैंग्वेज को बुझी पारुनी भी जदि भिजुआलटा देखिकी जड़े से जापर नेटिव लांगुएज यूज करें तो सेटा होची बेटर समस्त द्वारा बुझा जाई पार तो ये हूँ मेन हूँ आमर आंसर हूँ ए ही रहिबो करेक्ट ये चार्टा जाक भितर सो ए रोची करेक्ट आंसर। इभालुएशन इज द प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामाइन्स ए प्रोग्राम एक्सेसिबली स्टडीज इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकली इभालुएट सक्सेस रेट कंटिन्यूअली चेक्स रिसोर्सेस तो इभालुएशन जो गोटे प्रोसेस जे कि गोटे प्रोग्राम केते दूर सक्सेसफुल हो पारुछि ताकू मेनली एग्जामाइन करे नुहे कि तार सक्सेस रेट केते हला के रिसोर्स को चेक करवा कंटिन्यूअसली एंड एक्सेसिबली स्टडीज इम्प्लीमेंटेशन कौन हेबो ता पई नुहे तो एटा क्रिटिकली एग्जामाइन करबो गोटे प्रोग्राम को केते दूर सक्सेस हो पारिछि तार आउटकम द्वारा तो तेणु करी कि एठी ऑप्शन ए मध्ये रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि द चैलेंज इन यूजिंग इनफॉर्मल असेसमेंट इज दैट तो आमरो आमे जदि कहबा इनफॉर्मल असेसमेंट माने कोन गोटे फॉर्मल वे रे होउ नाही सो एठी आमे कहबा कि एठी चैलेंज कोन रहबो तो ऑप्शंस देछि कि द डाटा फॉर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू वेरिड तापर देछि दे डो नॉट रिप्रेजेंट वैलिड स्प्रेड ऑफ डाटा It is not accepted by universities. They don't reflect how quickly the topic can be taught. तो informal assessment आमर assessment रो purpose तो अपन मैंने जानी चंती तो informal assessment रो main challenge कौन रहेबो से कहूँगी तो ये बी रहेबो correct कहीं ना they do not represent valid spread of data तो आमे जदि informally करूँगी कौन सी assessment तेबे सेटा गोटे जो purpose पाई assessment टी करा जाउछि से purpose टाको मे भी सेटा fulfill न करि पारे because गोटे informally होउछि तो तेणु करिके फॉर्मली सब यहाँ प्रॉपर जो डाटा पाइबापी फॉर्मली असेसमेंट करा जाए तार रिकॉर्ड मेंटेन करा जाए पिला को फीडबैक दिया जाए तो ये सब किछि रहबो फॉर्मल असेसमेंट भितर सो यहाँ हूँ गोटे चैलेंज रहबो ऑप्शन बी रोची करेक्ट। नेक्स्ट रही एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी जेईई और नीट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास असेसमेंट तो क्लासरूम रो असेसमेंट थारू एग्जामिनेशन जो रोची आईआईटी जेईई हला नीट हला एगुडी को डिफरेंट कौन पाई से पचारुछि कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग आर कंट्रोवर्शियल वाइल क्लासरूम असेसमेंट्स आर सिंपल एंड इजी से कहूँ कि स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग रोचे सेगुड़ा होची कंट्रोवर्शियल तो सेमती किछि नुहे तो ये ऑप्शन होची कौन रॉन्ग तापर रोची कि क्लासरूम असेसमेंट आर इजी तो से कहूँ क्लासरूम असेसमेंट होची कौन आमर इजी रोची बट तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग आर कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट तापर नेक्स्ट से कहूँ कि देयर आर नो डिफरेंसेस एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ द होल्डिंग अथॉरिटी कंडक्टिंग द एग्जाम्स से कहूँ कौन से डिफरेन्स नहीं केवल आमर जो रोचंती अथॉरिटी जी की एग्जाम कंडक्ट कर छड़ा आउ कि दुईटा जाक भितर किसी डिफरेन्स नहीं बट सी आमको क्वेश्चन ही पचारी केमिटी इज अदरटा दुईटारू डिफरेन्ट तापर देछि कि क्लासरूम असेसमेंट जोड़ा कि असेस करे लर्निंग वाइल स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंपेयर्स लर्निंग टू ए नेशनल नॉर्म्स तो आमे जानी आपण मैंने जानी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग आउ जोड़ा कि आमर टीचर मेड टेस्ट तो जोड़ा कि आमे कहउचंती क्लासरूम असेसमेंट थ्रू आमे कहि परबा टीचर मेड टेस्ट तो एठी आमे जतेबेले स्टैंडर्डाइज टेस्ट विषय रे आमे देखिबा बा ताकू जदी आमे स्टडी करबा तो तेबे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आमर सब बेले केतेबेले हेताय ना जो जगह रे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थांती लार्ज तो सही जगार पिलांकर परफॉर्मेंस तांकर जो रही था रैंक बेसिस रे गोटे करा जाय था ए जगह रे पिलांकु आईआईटी जेईई हला नीट हला पिलांकु रैंकिंग करा जाय था रिलेटिव पोजिशन हिसाब से रैंकिंग करा से हिसाब से कौ जगार सीट पाइबे कौ कॉलेज रे पाइबे से गुड़ा हूँ से डिसाइड करा थाए। बट एठी आम स्टैंडर्डाइज टेस्टा क्लासरूम टेस्ट बहुत भिन्न बिकज ये टेस्ट गुड़ाक एक्सपर्ट्स मैंने तैयारी बट क्लासरूम आसेसमेंट जो होता है टीचर सिंपल से टेस्ट तैयारी करथांती। तो यहाँ हूँ गोटे बेसिक आउ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस। तो यहाँ हूँ नॉर्म्स वर्ड देखिए आपने जानीपे। तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रोचे बट ता भितर जो कॉन्सेप्ट रही है मेनली बुझा पड़ो। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 देछि कि गोटे 5 वर्ष और पिला में ग्रुप ऑब्जेक्ट्स से कौन कर ग्रुप कर दौर ऑब्जेक्ट्स को तार कलर हिसाब रे। बट व्हाइल से कहूँ कि गोटे 8 वर्षर पिला इज लाइकली टू ग्रुप देम बेस्ड ऑन मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जड़े कौन छोट पिला से गोटे क्यारेक्टर को देखिकी डिफरेन्सीएट करें बट ताठू टे बड़ जी रोचे 8 वर्षर पिला से कौन करुच्चना क्लासीफाई करें विभिन्न प्रकार तार क्यारेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करमती सेप है कलर है विभिन्न को देखिकी डायरेक्शन को देखिकी से करें। दिस इज ड्यू टू ए क्यारेक्टरिस्टिक्स रेफर टू आज क्लासिफिकेशन लॉजिकल थिंकिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस ना कंजर्वेशन। तो ये 78 रो आंसर हम ऑप्शन ए प्रॉपर क्लासिफाई से करें। सो क्लासिफिकेशन आम कहवा करेक्ट आंसर रहिबो। नेक्स्ट रोचे कि क्रिटिसिजम कौन रही कोहलबर्न थ्योरी रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिसिजम से पचारी कि एटी से देचे कि द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर नॉट एसोसिएटेड विथ रीजनिंग। तो मोरल डेवलपमेंटा रीजनिंग सहित एसोसिएटेड नुहे देछि। तो एटा गोटे नुहे। तापर देछि कि हिज थ्योरी डिड नॉट एम्फासाइज कॉन्सेप्ट सच एज जस्टिस। तो एटा किछि कोहलबर्न थ्योरी रे सेमती किछि जस्टिस को एम्फासाइज करबो सेमती किछि नाही। The theory was gender biased since all the subjects in his sample were male। तो यहाँ हूँ मेन आउ मेजर तांकर क्रिटिसिजम जोटा कि जेंडर बायस आउ कल्चर बायस मेन रोचे। तो सहित तांकर जो सैंपल रोचे से केवल मेल सैंपल को लेकिन यहाँ हूँ कर जो थिला जोटा रिसर्च तो थिला। तो ऑप्शन सी रहिबो एठी करेक्ट आंसर। तो यहाँ भल भाव मन रखिए। नेक्स्ट रही इन डिजाइनिंग एंड असेसमेंट ए टीचर विल हैव टू। तो जिते बड़े जड़े टीचर गोटे डिजाइन करुँचंती एंड असेसमेंट तो टीचर से जगह कौन तांको करिबा को पड़िबो। बी केयरफुल टू सी दैट द पेपर इज नॉट लीक्ड। टीचर सियोर हेजिबे कि पेपर जेमती लीक न हो। तापर अलॉट मार्क्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर नीडेड। तो जेती की दरकार ता पई अलॉट करिबे मार्क्स। तापर होची एंश्योर कंसिस्टेंसी विथ टीचिंग गोल्स। तापर होची ब्रिंग ए लार्ज सेट ऑफ क्वेश्चंस आउटसाइड द सिलेबस। टीचर आउटसाइड रू बहुत गुड़े क्वेश्चन कलेक्ट करके देबे। तो ए आउ डी तो होची पूरा इरिलेवेंट ऑप्शंस। तापर दुईटा जको जो रहिची बी आउ सी। तो एठी देछि कि अलॉट मार्क्स अलॉट करिवे बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ आंसर्स नीडेड। केते आंसर तांको करबा पड़िबो ता आधार रे मार्क अलॉट करेंगे। तो यहाँ गोटे नुहे प्रॉपर। तो ये ऑप्शन मेनली सी रहिबो करेक्ट कहीं कंसिस्टेंसी और टीचिंग गोल को लेकिन से टीचर तैयारी करेंगे बा डिजाइन करेंगे गोटे असेसमेंट को। तो ऑप्शन सी ही रोची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदो रहिची Unlike other forms of assessment, portfolios are distinct because they include। तो से कहूँ कि अदर फॉर्म जमी रोचे आसेसमेंटर पोर्टफोलियो गुड़िक हूँ डिस्टिंक्ट कहीं बिकज से कौन इनक्लूड करें पोर्टफोलियो ता भितर। ऑप्शंस देछि कि कमेंट्स बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट अनलाइक रेगुलर वंस। तापर देछि टीचर्स थॉट प्रोसेसेस एंड इंटरप्रिटेशंस इंस्टेड ऑफ जस्ट स्कोर्स। तो स्कोर परिवर्ते टीचर कर थॉट बा चिंताधारा और तांकर इंटरप्रिटेशन को सतरे रखा जाय थाए। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिजाइनिंग इट एंड ट्रेसिंग डेवलपमेंटल चेंजेस ओवर टाइम। तापर ऑप्शन डी कोची ए वैरिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस अनलाइक द सिमिलर वंस इन द ट्रेडिशनल असेसमेंट। तो सिमिलर रहिबो ट्रेडिशनल सहित बट वैरिड विभिन्न प्रकार क्वेश्चंस ता भीतर रहिबो। तो एठी पोर्टफोलियो डिस्टिंक्ट कौन पाई मेनली एठी आंसर होची ऑप्शन सी रोची करेक्ट कहीं मेनली पोर्टफोलियो जो असेसमेंट बेले पिला माने सेतिरे इन्वॉल्व होई थांती। तो पोर्टफोलियो को बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव पर्पस पर यूज करा जाए जानते आपण मैंने। तो जेहेतु पिला निजे इनवॉल्व होची तारो डिजाइनिंग रे एंड तारो काम को सी देखुची केते से गुड करी परिची केते आहुरी ताकू आगो को प्रोग्रेस करिवार अछि सबु किछि सेथरे इनवॉल्व हे कि टीचर को सदा से जानि परबो। सो एटा होची सेति पई वेरी वेरी मोस्ट ओडे डिस्टिंक्ट पॉइंट रादर देन द अदर असेसमेंट। सो इट इज सी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची स्टेट्स विच हैव इनिशिएटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो माने कि इनिशिएट करिसेंती को स्टेट्स गुडा। तो एठी 82 रो आंसर डायरेक्टली हे जेबा कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए रहूची डायरेक्ट आंसर एठी तो करेक्ट। तापर देछि कि टीचर यूजेस the activity of drawing the map of his classroom while introducing a concept by the concept of scale। तो जिते बड़े स्केल विषय रे टीचर जिते बड़े पढ़ौचंदी सेते बड़े कोन करचंदी ना टीचर गोटे यूज करचंदी गोटे एक्टिविटी ऑफ ड्राइंग द मैप ऑफ ए क्लासरूम। तो गोटे क्लासरूम रो मैप ड्रा करिया पई एक्टिविटी नौचंती जो थरे कि से कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल को इंट्रोड्यूस करिवे। एटा रिलेट करूची कहा सहित एक्सपीरियंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड मेंटेन इक्विलिब्रियम अडॉप्ट टू ए न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो एठी मेनली डायरेक्टली फिजिकल वर्ल्ड से तो एक्सपीरियंस को रिलेट करके टीचर एठी पढ़ाया पई ट्राई करचंदी थ्रू एक्टिविटी। सो ऑप्शन ए रहूची करेक्ट। नेक्स्ट देछि नेक्स्ट क्वेश्चन NCF 2005 emphasized on participatory democracy as one of the core of educational reform. An example that reflects this in school is a culture of deliberation, implementation and review of curriculum, budget and other priorities, making the subject of our constitution mandatory up to the higher secondary level. टीचिंग पॉलिटिक्स सिविक सब्जेक्ट्स मोर एक्सटेंसिवली एंड विथ देखिए स्ट्राइकिंगली रिलेवेंट एग्जांपल्स एंश्योरिंग एडिक्वेट एंड इक्विटेबल कंपेंसेशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन ए स्कूल। तो ये एनसीएफ जो देछि कि 2005 तो मेनली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आम जो कहते वन ऑफ द कोर एजुकेशनल रिफॉर्म। तो मेन एग्जांपल तार कौन जोटा कि होची ऑप्शन ए ही रहूची करेक्ट। बिकज देखो बाकी तीन टा जाक जो ऑप्शंस देछि भल भाव जब पढ़े ताको बुझिया चेष्टा करेंगे जोटा कि होची कौन गोटे एनसीएफ रो जो गाइडलाइंस हिसाब से जब आम देखा तो सेटा को से प्रायोरीटी रखुनी। बट ऑप्शन ए जोटा रहूची कि पाठ्यक्रम है बजेट है अन्यान्य प्राथमिकतार जोटा कि विचार विमर्श करवा कार्यकारिता समीक्षार विभिन्न प्रकार ताकू सबकि कनसीडर करवा। तो यहाँ हूँ मेन बिकज एनसीएफ सबको कवर करुच्ची नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जितेबाला आम कहते तो बहुत किसी तार रेकमेंडेशन्स रही तो ताकू बेस करी से रोचे एंड पिलांकर बर्डन पिलांकर जो एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी आनिबा ए सब को मेनली से फोकस करुच्चे एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर ही तार मेन फोकस रोचे। सो ऑप्शन ए ही रहबा करेक्ट। द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू थिंक अबाउट द स्टेप्स ऑफ ए प्रोसेस इन एनी ऑर्डर इज कॉल्ड। तो से कहूँ कि द एबिलिटी बा एक शिशुर जेकोसी क्रम क्रम प्रक्रियार पदक्षेप विषय रे चिंता करिवार क्षमता को कौन कहुच्छी। तो ये आंसर ऑप्शन ए रिभर्सिबिलिटी बिकज आम ट्रांसफॉर्मेशन तो कही पारिबानी इगो सेंट्रिज्म कही पारिबानी रिजनिंग बिकज गोटे पिला चिंता करुच्ची किछि गोटे पुणी से बैक आसिकी आउ थे भी गोटे किछि से चिंता करिबो तो रिभर्सिबिलिटी आम कही पारिबा। तो ए रहूची एठी करेक्ट आंसर। Which of the following could be the right approach towards helping students take charge of their own learning? तो से कहूँ कि which of the following could be the right approach towards helping students to take the charge of their own learning? तो जो जगह कि पिला मानकर जो रोची पिला माने तांको निजर लर्निंग पाई से माने निजे रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे। तो को एप्रोच से कहूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द राइट एप्रोच कोटा गोटे राइट एप्रोच रोचे ऑप्शंस गुड़िक भितर देखिए कि एक्सपोजिटोरी एप्रोच विथ ए क्लीयर प्लानिंग आउ एग्जीक्यूशन गोटे एक्सपोजिटोरी एप्रोच आम कह जो थे कि एक्सपोज हेबे एंड क्लियर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन रो थे कि पिला तांकर निज लर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से माने नेबे। तापर कोची प्लेवे मेथड इंटीग्रेटिंग विभिन्न प्रकार एक्टिविटी तापर दोची डिस्कवरी मेथड ए वेल डिजाइन प्रोजेक्ट तापर दोची रेसिप्रोकल टीचिंग बिल्डिंग कोलाबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटी। तो आ भितर यहाँ हूँ आपण बहुत कन्फ्यूज जो मैंने भी एग्जाम देइछन्ती कन्फ्यूज निहाती भाबरे हेतुवे एई क्वेश्चन रे तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग ही रहिबो करेक्ट आंसर कहीं ना जेहेतु तांकर ओन टीचिंग पई से माने चार्ज निजे से माने रेस्पॉन्सिबिलिटी नउछन्ती बिकॉज रेसिप्रोकल टीचिंग तो आपण माने जानी चंती रेसिप्रोकल टीचिंग रे पिल्ला माने तांकर जो रही थाए से माने निजे ही सेठी टीचर रोल प्ले करथांती से माने इच अदर को क्वेश्चन पचार थांती क्लारीफाई करथांती डाउट्स तापर कांसेप्ट को लेके समराइज करथांती तो पिला माने तांको भितर गोटे कोलाबरेटिव लर्निंग जोटा कि हमर वाइगोट्स्की को थ्योरी जदि भल भाव पढ़ी चंदी रेसिप्रोकल टीचिंग पढ़ी चंदी तो से माने कोलाबरेटिव लर्निंग कम्युनिटी बिल्ड करके कोलाबरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग द्वारा तो से माने तांकर निज रिस्पांसिबिलिटी निजे नेबे निज लर्निंग रो चार्ज बा रिस्पांसिबिलिटी से माने ही नेबे तो रेसिप्रोकल टीचिंग रो कांसेप्ट को भल भाव पढ़ंतु एटा इजीली बुझी हबो किछि भी नाही एथिरे रेसिप्रोकल टीचिंग द्वारा ही स्टूडेंट्स माने तांकर टेक द ओन जोड़ा कि आमे कहउचंती टेक द चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग तांकर निज लर्निंग रो चार्ज से माने नै थांती सो ऑप्शन डी ही रहउछ ठीक करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट राउ दुई तीन टा क्वेश्चन रहिला इन ए डाइवर्स क्लासरूम विथ गिफ्टेड चिल्ड्रेन द बेस्ट वे टू अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इज तो से कहूँ गोटे डाइवर्स क्लासरूम जिते बड़े गिफ्टेड चिल्ड्रेन रोचंती से जगार केमिती इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को एडप्ट करा जिवो से कहूँ कि प्रोवाइड करिवो फॉर चैलेंजिंग सप्लीमेंटरी एक्टिविटीज सप्लीमेंटरी चैलेंजिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करिवो गिव एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट देयर वर्क तांको काम पई तांको एक्स्ट्रा टाइम दिया जिवो सिटिंग विद द गिफ्टेड पोस्ट क्लास एंड रीटीचिंग देम तापर देछि हैव स्टैंडर्ड मटेरियल सुइटेबल फॉर ऑल समस्त गोटे स्टैंडर्ड मटेरियल रहिबो तो एई जगह जदि आमे देखिबा तो ये क्वेश्चन रहिबा कोन ऑप्शन ए बिकॉज जेहेतु गोटे डाइवर्स क्लासरूम भितर किछि जदि गिफ्टेड पिला माने अछंती तांकू समस्तक सहित सेम मटेरियल दे देबाटा भी ठीक नुहे एंड ता सहित तांको सहित सिटिंग विथ द गिफ्टेड पोस्ट क्लास एंड तांको अलग बसैकी तांको पाई अलग रखा जिवो सेटा नुहे ता सहित देछि कि नेक्स्ट देछि तांकर जो रहुछि प्रोवाइड चैलेंजिंग सप्लीमेंटरी एक्टिविटी तांको पाई जते बेले सप्लीमेंटरी किछि एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिया जिवो सेमानकर गिफ्टेडनेस बेसी डेवलप हे पारिबो सो ऑप्शन ए ही रहउछि ठीक करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तांकर क्रिटिसाइज्ड कौन पाई पचारिछि तो से कहूँ कि इंटेलिजेंसेस जो रही इंटेलिजेंस गुड़ा इंटररिलेटेड नॉट सेपरेट तापर देखिए एब्सेंस ऑफ वैलिड एक्सपीरियंशियल बेसिस फॉर इट से कहूँ कि जोटा कि देखिए कि एक्सपीरियंशियल जो रही बेसिस वैलिड एक्सपीरियंशियल बेसिस नहीं तापर कहूँ डजंट अकाउंट फॉर सेंट्रलाइज वर्किंग मेमोरी सिस्टम तापर देखिए टू सिंपलिस्टिक एंड स्वीप्स आउट वास्ट नसांस तो ये करेक्ट आंसर कौन हम एट रो ये आंसर होची ऑप्शन सी तो ये मेनली रोचे ऑप्शन सी कौन ना जो केंद्रीकृत ऑप्शन सी देची ओडिया रे केंद्रीकृत कार्य जोटा कि मेमोरी सिस्टम पाई हिसाब करे नाही तो यहाँ हूँ तांकर गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो कौन क्रिटिसिजम रही आपण मैंने भल भाव पढ़े तो ये ऑप्शन सी ही रोचे आंसर की रो आंसर तो ये डजंट अकाउंट फॉर द सेंट्रलाइज्ड वर्किंग मेमोरी सिस्टम तो इंटेलिजेंस रो जो कॉन्सेप्ट रही समस्त थ्योरी किसी ना कि क्रिटिसिजम रही समस्त थ्योरी रे ताको पढ़े बिकज युवा सब एक्सट्रा ही आड करी से पचारुची तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इची न्यूरल प्लास्टिसिटी रेफर्स टू न्यूरल प्लास्टिसिटी कहले एठी आंसर हे जबो इज द प्रोसेस यूनिक टू ह्यूमन ब्रेन फॉर न्यू लर्निंग तो एठी होची कोन ना हमरो नूतन शिक्षण पाई मानव मस्तिष्कर अनन्य प्रक्रिया तो ताको न्यूरल प्लास्टिसिटी कह जाउची तो एगुडा होची टिके माने जोड़ा कि कौन बाहर क्वेश्चन जोड़ा कि आमे पेडागोजी तो आमे कहबा बट बाहर क्वेश्चन जोड़ा कि जो गोटे जड़े कौन केते अन्य जनरल आइडिया रखी माइंड सहित ब्रेन सहित से गुड़ा ऊपर रिलेट करके टर्म्स विभिन्न प्रकार नुआ नुआ टर्म्स रही रिलेट करके क्वेश्चन रखी नेक्स्ट दोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एटा होची सिंपल क्वेश्चन एजुकेशनल मैनेजमेंट रो कोडा स्कोप को रिप्रेजेंट करूची बा बुझौची तो एठी आंसर हे जिवो कोन तो आंसर एडी हे जिवो कि ऑप्शन हमरो सी रहिबा करेक्ट जोड़ा कि प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस एटा होची एजुकेशनल मैनेजमेंट गोटे स्कोप आमे कहि परबा ऑप्शन सी रहूची करेक्ट। तो एमती ही क्वेश्चन रहितला संस्कृत पिलांगर क्वेश्चन पेपर एंड केमती कोन क्वेश्चन रहितला एंड आगो को आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड कर क्वेश्चंस मध्य रहिबो केमती क्वेश्चन रहिबो आपण माने एक्सपेक्ट करूचंती क्वेश्चन निश्चित तो रहिबो डिफिकल्ट निहाती रहिबो एते भी माने इजी रहिबोनी क्वेश्चन बिकज संस्कृत हिंदी पिलांगर जेहेतु एग्जाम हेई नथिला तांकर क्वेश्चंस को जेमदी नॉर्मल मॉडरेट रखीची बट तथापि मु कहि रखिबी आपण माने ए भळा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करंतु ए टाइप रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु कांसेप्ट जदी क्लियर अछि ताले क्वेश्चंस करी हि जिवो एंड हिंदी पिलांगर क्वेश्चंस आमे मधे डिस्कस करनबा। तो पीटी पिलांगर क्वेश्चन आपण माने देखि नियंतु मु टेलीग्राम रे प्रोवाइड कर देबी बट हिंदी पिलांगर डिस्कस करदेवी कहीं आपणकर हिंदी संस्कृत पिला सिलेबस होची प्रायतः अलमोस्ट 95% सेम रोची पीसीएम सीबीजेड आउ आर्ट्स सहित। सो आशा करूँ भिडियो निहाती भाव आप हेल्पफुल रही है वीडियोस पसंद आसते निहाती भाव वीडियो को लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव करुवे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।